Hello guys. Hello. तुम ब्लॉग को लाइक नहीं करता है, मुझे भूख लग गया, मैं टी शर्ट खा जाऊंगा। बोले सोनिहाल राजपूतों की मूंछ झड़ गई राजपूतों की मूंछ है, राजपूतों की अभी क्यों लगाना बाकी है। मेरा गुल्लू है वो पोर्टेबल मूंछ है, पोर्टेबल निकालो लगाओ जब मन मर्जी का है, ऐसे निकाल सकते हैं लगा सकते हैं। रावतों की मूंछ गाइस, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से मम्मी पंखा बंद करके चली गई, अब क्या होगा इसका। ये गर्मी से तड़प रहा है गाइस। हम दोनों एक ही रूम में और हम दोनों को बेचैनी हो रही है। डू यू नो व्हाट इज बेचैनी? नहीं समझ सकते तुम बेचैनी क्या होती है। एक रूम में बैठना, पंखा बंद कर देना, तो मैं कुछ बेचैनी होगी, बेचैनी। उसके बाद जो छटपटाहट आपको होगी उसे ही बेचैनी कहते हैं। और हम दोनों अभी उस छटपटाहट से गुजर रहे हैं गाइस। तो गिरना मत नीचे, इतना सटक रह गए फर्श में गिरने से, बस इतना बैट इसने इधर छोड़ रहा, पर इसे इसी इसी बैट के किनारे वाले डंडे में सोना है। यही तो मजा है, अभी आएगा मजा, अब आएगा मजा। दोनों चलते नीचे, मैं तो नहीं गिरी, बढ़ती हड्डी तोड़ेगा क्या? मैं नहीं डरता। अब डरेगा तो गाइस, ये डर नहीं तो क्या, ऊपर आ रहा, देखो ऊपर आ रहा है। ए ए सेनोरिटा क्या कर रही हो? हे भगवान, क्या होगा ये पंखा भी ना दगाबाज है, बंद हो गया। हाँ तो स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वाति अंकित ब्लॉग्स में। तेरा ब्लॉग नहीं स्वाति, ये ब्लॉग्स भले इसके नाम से खोला किया है पर देंगे ना, इसके पीछे असली हाथ मेरा ही है। इसने बहुत अच्छी ब्लॉग बनाया। आप देख रहे थे पिछले एपिसोड में, हम गुजर रहे थे बेचैनी से और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी भी हम बेचैनी से गुजर रहे हैं, पर लेकिन मैं इस बेचैनी का सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं पंखा खोल जाता हूँ पहले। तो गाइस हुआ ये कि मैंने नाश्ता किया और मुझे थोड़ी ना बेचैनी हो रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ी लेट हूँ है ना, और ये माँ से आई ये बुक लेके कि दीदी आज मैं आपको काइनेटिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। किसकी काइनेटिक केमिस्ट्री? बुक छोड़ के और ये बैठ के इस छोटी सी दीवार, इतनी सी जगह में पढ़ाई, डंडी है वहाँ पे, उसमें अटक रखे, इसे गिरने का भी डर नहीं। मैंने कहा छोड़ो अपनी केमिस्ट्री सुधारी जाए पहले, तो पढ़ो ना केमिस्ट्री, काइनेटिक केमिस्ट्री तो चलती रहेगी। किसकी बेबी? हमारी केमिस्ट्री, हाँ तो सही है, परफेक्ट। गाइस ये सोचती है मैं क्यूट हूँ, बच्ची की तरह हूँ, बुड्ढी है ये बुड्ढी, 100 साल की बुड्ढी। तो क्या हुआ, जीवन है, एक बार सब पहले बच्चे बनेंगे, क्यूट बनेंगे, बड़े होंगे। आचार्य स्वाति देवी, जीवन ही जीवन है, हमारा आज का विषय है जीवन। बोलिए दीदी, सॉरी आचार्य दीदी। क्या बोलना है, क्या सुनना चाहते हैं? हमें भी अपनी जीवन के बारे में दीक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। मूर्ख बालक पहले और दीक्षा शिक्षा में अंतर समझकर आओ। आप बताओ, हमारे पास आप बताओ, हम मूर्ख हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम फकीर लोग हैं, आप ही विद्वान हो देवी, बताओ हमें मार्ग प्रदर्शन करो देवी। बालक शिक्षा होती है जो आप अपने स्कूल में जाकर लेते हैं और अपने घर में भी आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। पहली शिक्षिका आपकी माता होती है, समझिए। दीक्षा होती है जब आप अपना सब कुछ समर्पित करके भगवान की शरण में चले जाते हैं, जन सेवा करते हैं, उसे ही दीक्षा कहते हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ देवी, आपको तो कुछ नहीं है, ना शिक्षा ना दीक्षा, ना आपने शिक्षा ग्रहण की, ना आपने दीक्षा दी, कुछ भी नहीं किया। बालक, मैंने शिक्षा ग्रहण करी है। आप तो निकम्मी निकली। गाइस डोंगी है ये, डोंगी दूसरों को ढोंगना चाह रहा, जाके बोल मैं देवी हूँ देवी। मैंने तो कभी नहीं बोला देवी, वकील नहीं है आपने तो बोला। हाँ तो मैंने बोले तो देवी हो गई,
दीदी तो सिर्फ स्वाति ब्लॉगर है। ओह माय गॉड, स्वाति ब्लॉगर कितनी फेमस है। तो क्या हुआ, एक दिन अपना भी सितारा चमकेगा, हम भी स्वाति ब्लॉगर बनेंगे। इनका सितारा तो कभी आया ही नहीं, इनका सितारा ना चमकने वाला है, क्योंकि सितारा चमकाने वाले आप लोग हैं और आप इसका सितारा नहीं चमका रहे हैं। गाइस ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत टाइम से ब्लॉग में नहीं आया हूँ इस बात का बोलने के लिए, आज इस विषय को लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ ब्लॉग में। आप इसका सितारा नहीं चमका रहे, ये आपके हाथ में है, जनता जागो, ये जो भी है ये ब्लॉग ना आई आपके लिए, आपके लिए नई नई ब्लॉग लाती है, पहाड़ों की ऊंचाइयों में चढ़ रही है, चप्पलें तोड़ रही है, नई नई चप्पलें खरीद रही है और हमारा नुकसान भी करा रही है सिर्फ आपके लिए, और आप कर तो रहे हैं कुछ कुछ, उनका बहुत ही आभार है मेरा दिल से। गला मत पकड़, मेरा दिल से आभार है, हर चीज़ तो चाहती हूँ उनको मेरा दिल से आभार है जो ब्लॉग्स लाइक करते हैं, देखते हैं, व्यू टाइम बढ़ा रहे हैं, डोंट स्किप ब्लॉग, ठीक है ना, बाकी बने रहे साथ ही ब्लॉग्स में। बढ़िया बढ़िया सर। गाइस मेरे को, मैं थोड़ा घूमने क्या चला गया, मुझे पिंपल्स आ गए हैं, एलर्जी हो गई मेरे बेबी को, मुझे एलर्जी हो गई है, किसी के पास छोड़ो कुछ नहीं आपको दीदी किसी कर लेगी सब ठीक हो जाएगा दीदी, आ जाओ नोजल आ जाओ। खुद के नाक तो छेड़ी नहीं, दूसरों के नाक छेड़ने की बात कर रही, पता है नाक सूंघने के लिए ये तीन चार सालों से बोल रही कि मेरे को नाक छेड़नी, मुझे नाक छेड़नी, पर ये नाक नहीं छेड़ पा रही, और तीन नोज रिंग लेके आई हुई है कि मैंने इस बार तो नाक छेड़ानी है बस, पर लेकिन आज तक नाक नहीं चढ़ा पाई। एक बार गई तो किसी ने हिम्मत ही नहीं करी, कोई हिम्मत ही नहीं कर पा, बड़ी नाक कौन छेड़ेगा है, तो क्या बोली, गोल्डन चाहिए बन मुझे बन बेबी, गोल्ड तानसेन से पेट नहीं भर रहा, अब गोल्डन चाहिए, गोल्ड वाली बन तानसेन खा के कहीं ऐसी हो रही है ना, ये तानसेन खाती तुम्हें नहीं पता, ये तानसेन खाती बीड़ी कौन सी पीती, घोड़ा वाली बीड़ी, चार बंडल रखे हैं इसलिए अपने खाने में, सत्ताईस पीती, घोड़ा नहीं पीती, सत्ताईस ठीक है ना, हाँ क्या समझते तुम शरीर, अरे सुनो शरीर समझ रहे तुम इसको सुनो मुझे पता है, होता है दो सात सत्ताईस में दो हाथ जोड़ो अट्ठाईस, क्योंकि मैं उनतीस हुई ना, देखा मन नहीं कर रहा, बाय आज के लिए, बहुत इतनी मस्ती, ब्लॉग को लाइक कमेंट सब कर देना जो जो होता है यार, अब कितना तो बोलना है तुम्हें पता है क्या क्या होता है, बुद्ध तो तुम हो नहीं, पढ़े लिखे नौजवान लोगों को बेचैनी हो रही है यहाँ पर, बेचैनी उसके बावजूद भी हम बेचैनी में ब्लॉग बना रही है, बेचैनी में पता बेचैनी क्या होती, मेरे को तो दो दिन से हो रही है ना, मुझे दो दिन से बेचैनी हो रही, कितनी बेचैनी हो रही है, हमें कहाँ से आ रही इतनी बेचैनी, बेचैनी हो रही हमें बेचैनी, ये तो पागल हो गई बेचैनी से, गाइस बेचैनी आज का टॉपिक था, बेचैनी, बेचैनी से बहुत ही बड़ा ब्लॉग बना है और इस बेचैनी को ख़त्म करें ब्लॉग को लाइक करते हुए, आ चुकी है वो जो बेचैनी का सफ़र लेकर आई थी, और एक बार फिर हम बेचैनी के गर्द में घुस चुके हैं, बचाओ 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 बचाओ, गुहार गुहार लगाए मैंने तुमसे बेचैनी मम्मी कितनी धमकियां दे रही पापा की, मम्मी पंखा खोल दे बेचैनी हो रही, मम्मी फ्रिज खोल रही पर पंखा नहीं खोल, मम्मी ने फ्रिज खोली और पंखा बंद कर दिया, ना इंसाफी है यार, मम्मी गर्मी में नहीं चलाएंगे, क्या बोलूं मैं, वो छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए, इस बेचैनी की गर्द में एक बार फिर डूब चुके हैं अब तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही, इसकी बेचारी की आवाज भी चली गई मेरी, जल्दी कर
हर बेचैनी इस कदर बढ़ी कि मुझे आखिर अपने अपने सूत्रों पर जाना ही पड़ा और मुझे आखिर में अब्राहम लिंकन को फोन कर बुलाना ही पड़ा। अमेरिका में मैंने अब्राहम लिंकन को फोन किया और वो अभी मेरे कौन सी आइसक्रीम लाया है, अमेरिकन नट्स वाली आइसक्रीम लेकर आया है वो अपने व्हाइट भवन से। बट ये क्या, ये तो गली हुई है, धोखा कर दिया उन्होंने आपके साथ। क्या हो तैयार कम से हम लाया तो सही, वो तेरा नाक क्यों फोड़ रहा है, थोड़ा सा गर सकती है यार। अब भी आया वो गेट पे, देखिए देखो यार अभी गाइस अमेरिकन नट्स। अभी स्वाति दीदी के हाथ पर दी गई है ये आइसक्रीम अमेरिकन नट्स। अब्राहम लिंकन जी से हमारी बात होती रहती है, खास परम मित्र है हमारे। जल्दी काट रहे, आज हमारे पास आइसक्रीम अमेरिकन नट्स खाएंगे। एक बेचैन आदमी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इन्हें भी बड़ी बेचैनी हो रही थी इसलिए हमने इन्हें भी अपने गुट में शामिल कर दिया है और ये भी अब हमारे साथ इन तीन कटोरियों में आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हैं। ये मम्मी, और एक बेचैन थोड़ा अभी बाहर है, वो थोड़ा बिजी है, उनके फोन आ रखा उनके लिए, वो भी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही हैं। मजाक में न ले, मैं मजाक नहीं करता दोस्तों, ये इस बात को मजाक में न ले कि अब्राहम लिंकन का फोन नहीं आ रखा। आपको बात करनी है तो आपसे बात कराई जाएगी, मात्र चार्ज लगता है 50,000 रुपया एक कॉल का। बेचैन आदमी उंगली से ही चाटने लग गया। गाइस ये हमारी आइसक्रीम फ्रिज में रखने के बावजूद भी आई डोंट नो क्यों गल चुकी है ये। अरे अब्राहम लिंकन सर लेके आए तो गर्मी भी बढ़ रही है ना, इतनी थोड़ा तो गलनी थी उसने। ये है मेरी फेवरेट, ओ माय गॉड, अमेरिकन नट्स गाइस। ये देखो इसमें है टूटी फ्रूटी, सारे ड्राई फ्रूट्स देखिए। ये मेरी बेचैनी जाने वाली है, इसमें दो। ये देखिए गाइस टूटी फ्रूटी, पिस्ता, आइसक्रीम का डब्बा पहले खोला नहीं, चम्मच लेके पहले आ गया, घुस गया। हेलो गाइस, हेलो, तुम ब्लॉग को लाइक नहीं करता, मुझे भूख लग गया, मैं टी शर्ट खा जाऊंगा।